आप हार गई हैं? ऑफ कोर्स हार गई हैं, सबको पता ही है हार गए हैं। तो दुख हुआ आपको? दुख हुआ, लेकिन गेम बहुत अच्छी खेली गई थी। ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी एक टीम को जो है ब्लेम किया जाए, या हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, और जितना हम पे प्रेशर होता है हम प्रेशर मुश्किल से डील कर पाते हैं, तो उसके बावजूद इट वॉज गुड। अच्छा मुझे बताएं, अगर शहनशाह अफरीदी इंजर्ड ना होते तो मैच का जो पांसा वो पलट सकता था? मुझे लगता है कि पलट सकता था, क्योंकि उसी ओवर में जो है गेम की साइड एक दफ़ा पलटी थी, क्योंकि तब आहिस्ता आहिस्ता जाके गेम दोबारा हमारे हाथ में आने लगी थी, मगर फिर उस ओवर में जाके दोबारा से ख़राब हो गया सीन। तो मैम आखिरी को पैगाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैच तो हम हार गए हैं, कुछ तबसरा करेंगी आप? मैं हम कौन होते हैं तबसरा करने वाले? उन माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है इस वर्ल्ड कप में, नज़र आते हैं उनकी आंखों में जो डेस्परेशन है जीतने के लिए, वो हमें नज़र आती है। जो एफर्ट कर रहे हैं वो हमें नज़र आता है, जो पिछले कई सालों से हमें एफर्ट नहीं नज़र आ रहा था वो अब हमें नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है पूरी कौम बहुत सेटिस्फाइड होगी इनकी परफॉर्मेंस से, हमारे बॉलिंग लाइनअप से। आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैटिंग लाइनअप भी बहुत बेहतर हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। शहनशाह अफरीदी आपको पता है इंजर्ड हो गए थे, अभी एक बॉल बहुत ज़बरदस्त की थी, उम्मीदें लगी थी पाकिस्तान को, अगर वो इंजर्ड ना होते तो मैच का पांसा पलट सकता था? मैच का पांसा उसी तरह पलट सकता था जिस तरह एक बार अफगानिस्तान के मैच में पलटा था, बहुत सारे मैचेस में जिस तरह हमने हमारे बॉलर्स ने, वो हारिस रऊफ ने आखिरी में 3 विकेट्स ली थी एक बार मैच में, बहुत कुछ हो सकता था, बट लक वॉजंट ऑन आवर साइड टुडे। तो कुछ आखिरी पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, और ऐसे ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहिए, और ये जीते या हारे हमें इनसे हमेशा के लिए प्यार। मैम जैसे क्राउड पंजाब को मत ने जमा कर लिया था, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के काफ़ी क्राउड जमा आ गया, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? ये एक बहुत अच्छा स्टेप था मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया आज, बहुत ज़्यादा ही, अगर जीतते तो और 4 चांद लग जाते, लेकिन फिर भी जिस तरह का इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था, मुझे लगता है ऐसे मजीद इन्वायरमेंट क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि पब्लिक इतना डिसहार्ट हो चुकी है इन गंदी पॉलिटिक्स से जो हमारे मुल्क में हो रही है। इस तरह के इवेंट्स होंगे तो पब्लिक का ध्यान जो है वो और पॉजिटिव साइड पर जाएगा, नॉट ऑन दैट साइड।